खंडवा कोतवाली में हुई दो गुटों में हुए विवाद को लेकर हिंदू संगठन के सदस्यों ने गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठन के संरक्षक अशोक पालीवाल ने हापलादी प्लाव में हुए दो पक्ष में हुए विवाद को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर घटना में हुए मृत के परिजनों को उचित मुआवजा एवं आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि हापलादी प्लाव में दो गुटों में हुई झड़प में एक व्यक्ति की इंदौर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी। की गई है ये कुल मिला के इस ज़िले में इस निमाड़ क्षेत्र में दहशत फैलाने के हिसाब से कहो ये घटना की गई है। जैसा कि हमने आज ये जो ज्ञापन दिया है इसमें छह मांगे भी रखी है। उस मांगों में ये भी हमने रखा है कि जब से CA लागू हुआ है तब से खंडवा ज़िले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न भिन्न घटनाओं के माध्यम से, जैसा कि उसमें आप ये कह लो कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके कहीं फेसबुक के माध्यम से दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, कहीं क्षेत्र में ही मोगट थाना क्षेत्र में जो गरीब बसोड़ समुदाय के लोग रहते हैं उन बसोड़ समुदाय के लोग उनकी झुब्बी झोंपड़ी वहाँ से कैसे खाली कर कर भागे, इसलिए लॉकडाउन के चलते उन पर सामूहिक रूप से हमला किया गया। गोकुशी की कुछ घटनाएँ हुई जिसमें कि गायों को पकड़ के काटा गया, वो भी FIR उनकी भी FIR है। कोतवाली थाना क्षेत्र में नंदी का तोड़ा जाना, कोतवाली थाना क्षेत्र में ही एक फेसबुक के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने का कार्य, इस प्रकार की अनेक घटनाओं को हम देखें कि इन घटनाओं के माध्यम से धीरे धीरे कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश खंडवा में की जा रही थी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमको हापला दीपला में देखने को मिला। 8-10 दिन पहले ही वहाँ पर भी एक धार्मिक पोस्ट के माध्यम से दंगा भड़काने का प्रयास किया गया। हिंदू समाज के हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता, भाई शहर में अब अगर दाल नहीं गल रही है तो तहसील केंद्रों पे या ग्रामीण क्षेत्रों में जो हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए राष्ट्र की ताकत बनकर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको कमज़ोर करने की दृष्टि से उन क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हापला दीपला की जो घटना हुई विगत एक वर्ष से वहाँ पे जहाँ भी मुस्लिम बहुसंख्यक अधिक संख्या के रूप में हुआ है वहाँ कहीं ना कहीं हिंदुओं को कैसे दबाना ताकि उस पूरी तहसील क्षेत्र में हिंदू समाज पर दबाव बना रहे, एक साल से घटनाओं के माध्यम से वहाँ दबाव बनाया जा रहा था। अनेक घटनाओं के बाद जब उन्होंने देखा कि एक नेतृत्वकर्ता राजेश नाम का युवा जो वहाँ की हिंदुओं को राष्ट्र के पक्ष में संगठित करने का प्रयास करता है तो इस जड़ को ही काट दिया जाए, इसलिए कोई भी बहाना बनाकर उस पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया, उसकी हत्या की गई और उसकी हत्या के बाद भी सामाजिक दबाव कैसे बने, इसलिए उनके घर से उस घटना स्थल से 1.25 किलोमीटर दूर स्थित जो एक देव बाबा का मंदिर था आपने वीडियो में देखा होगा, वीडियो कहीं चले हैं, उस मंदिर पर भी देवताओं